की राजधानी लखनऊ में दीपावली के तीसरे दिन भी भीषण आग का कहर देखने को मिला। जानकारी के मुताबिक नाका थाना क्षेत्र स्थित विजयनगर में बने कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। कॉम्प्लेक्स में एक मोबाइल की दुकान थी जिसमें ये आग लगी। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक दुकान में किसी कारण से लगी आग देखते ही देखते इतनी भीषण हो गई कि वहां लोगों में अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना मिलते ही नाका पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रीति मार्केट में व्यवसायी पुनीत जैन की मोबाइल की दुकान है। ये एक थोक व्यापारी हैं। घटना में दुकान में रखा भारी मात्रा में माल जलकर राख हो गया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना अभी तक नहीं मिली है। वहीं नाका हिंडोला थाना प्रभारी ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका। मामले की छानबीन की जा रही है। इसके साथ ही आग से नुकसान का आकलन भी किया जाएगा। नाका थाने के अंतर्गत अंबर मार्केट है, यहाँ एक मोबाइल शॉप में आग लगी थी। तो जैसे सूचना मिली तो हमारे जो फायर टेंडर्स और लोकल थाने आके यहाँ आग को बुझा दिया गया है और काबू पाया गया है। स्थिति कंट्रोल में है और आग के कारण क्या है इसका अभी जांच पड़ताल चल रहा है। कोई जनहानि नहीं हुआ है और बाकी स्थिति कंट्रोल में है। वहीं आपको बता दें कि थाना मानक नगर क्षेत्र में भी आग की घटना सामने आई। यहां स्थित बीएन लाल स्कूल के पीछे झुग्गी झोपड़ी में भीषण आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना मिलते ही मौके पर मानक नगर पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची। इसी बीच झुग्गी झोपड़ी से सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। आपको ये भी बता दें कि दो दिन पहले यानी 25 अक्टूबर को चिन्हट थाना क्षेत्र के सतरिक रोड स्थित चिन्हट पोस्ट ऑफिस के पास रुई की दुकान में आग लग गई थी। इससे पहले गोमती नगर विस्तार में एक दुकान में आग लगी जिसे वक्त रहते काबू पा लिया गया। दूसरी तरफ मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र के खुजौली गांव में बकरियों से बंद एक कोठरी में आग लग गई थी। सूचना के बाद मौके पर दमकल की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक घटना में 6 बकरियों की दम घुटने से मौत हो गई थी।